से बचाव व संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए प्रशासन सख्त हुए। अधिकारियों ने शुक्रवार को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जांच के लिए वाड़ी शहर में विशेष अभियान चलाया। साथ ही नए नियम के तहत वाड़ी के बॉर्डरों पर तगड़ा बंदोबस्त रखा गया। वाड़ी 10 नंबर नाके पर विशेष मुहिम चलाई गई। राज्य में लॉकडाउन की घोषणा होते ही पुलिस प्रशासन अधिक सख्त हुए। इस दौरान लोगों ने सरकार के दिए दिशा निर्देश आदेश का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़क अभियान चलाया गया। वाड़ी शहर पूर्ण रूप से 11 बजे से बंद था। शहर में ब्रेक द चेन अंतर्गत कार्रवाई अभियान शुरू हुआ है। उस मुताबिक नागरिकों ने पुलिस प्रशासन व स्थानीय प्रशासन को सहयोग करने का आह्वान वाड़ी पुलिस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी इन्होंने किया। सड़कों पर बेवजह आवागमन कर रहे लोगों को भी चेतावनी दी गई। नाका नंबर 10 पर प्रत्येक गाड़ी की जांच की गई और उन्हें सावधान किया गया। बाइक पर सफर करने वालों डबल सीट पर जुर्माना ठोका गया तो कार में 3 से ज्यादा यात्री होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का चालान दिया गया। पूरा दिन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पुलिस द्वारा दोपहिया वाहनों के कागजात डिक्की आदि की जाँच की गई। इस अवसर पर वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। वाहन जाँच में बिना कागजात की वाहन चलाने वालों में भय देखा गया। इससे अफरा तफरी फैल गई। इस दौरान वाड़ी थाना PI प्रदीप सूर्यवंशी, MIDC यातायात विभाग, PI राजेंद्र पाठक, API गोपिका कोड़ापे, PSI गजानन मोघे, PSI शकंतला बोबड़े, राजेंद्र पाटिल, चिंताहरी लटपटे, राजू कालेस्कर के साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने बॉर्डर पर बंदोबस्त में शामिल थे। वाड़ी पोलिसांकडून जसं आता ही बॉर्डर सिलिंग पॉइंट आहे, या ठिकाणी नाकाबंदी पण आहे, या ठिकाणी प्रत्येक वाहनाचे चेकिंग केले जात आहे। त्याचप्रमाणे हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग व्हेकल मधून फिरून जी आस्थापनं आहेत त्या शासनाने नेमून दिलेल्या वेळेत सकाळी 7 ते 11 या वेळेत चालू राहतील, 11 नंतर ते बंद केले जात आहेत। त्याच्यानंतर कोणी उल्लंघन केलं तर त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे। स्थिती भयास्पद आहे। तर यामध्ये सगळ्यांनी घरात राहून ही ब्रेक द चेन या अंतर्गत शासनाला सहकार्य करून कोरोनाचं प्रमाण कमी आणण्याला सहयोग केला पाहिजे। लोकांनी जर सहकार्य केलं तर निश्चितच कोरोनाची जी साखळी आहे ती तोडण्यास मदत होईल। त्या अंतर्गतच ही नाकाबंदी आणि बॉर्डर सेलिंग पॉईंट चालू आहे। ट्रॅफिक नियमांच्या दृष्टीने आणि सध्याच्या कोविडच्या परिस्थितीत आमच्या माननीय CP साहेबांनी जे आदेश दिले त्या आदेशावर या कोरोनाची जी महामारी ज्या जोरात फैलावत आहे त्या फैलावण्याला कुठेतरी प्रतिबंध घालणे यामागे आमचा उद्दिष्ट एकमेव उद्दिष्ट हेच आहे। या उद्दिष्टपूर्तीसाठी नागपूर सिटीचे सर्व अधिकारी कर्मचारी कामाला लागलेले आहेत। लोकांना आम्ही समजावून सांगत आहे, सर्वपरीने लोकांना समुपदेशन करत आहोत आणि येणारी जाणारी वाहनं ही चेक करणं आणि त्यामध्ये 2-व्हीलरवर डबल सीट कोणी जाऊ नये, 4-व्हीलरसाठी गाडीची जी कॅपॅसिटी आहे त्या 50% लोकांनी जावं असे नियम लागू झालेले आहेत आणि हे नियम येणाऱ्या 1 तारखेपर्यंत लागू राहणार आहेत। तर ह्या अनुषंगाने याच्यामागचा एकमेव उद्देश हाच की बाबा कोरोना जो फैलतो आहे दिवसेंदिवस जे टाकेवर आपण सगळे बघत आहेत आणि लोकांच्या जीवावर जो हा कोरोना उठला आहे ही महामारी कुठेतरी कमी व्हावी, कुठेतरी या महामारीला आळा बसावा याकरता सगळे प्रयास आहेत आणि देव करो या प्रयासाला यश येऊ। आणि लोकांना आम्ही जर ते एवढं सांगून सुद्धा करत असतील तर त्यांच्या चलांच्या रूपात आम्ही पैसे घेत आहोत। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।